नाजरीन, आज हम आपको बता रहे हैं कोटा का जो है नमकीन गोश्त, जो कि बहुत ही मशहूर है गोश्त की ये रेसिपी है। छोटे गोश्त की भी बन जाती है और बड़े गोश्त की बन जाती है, मगर छोटे गोश्त में जो है ज़्यादा लजीज होती है। अभी मैं आपको सारा तरीका बताऊँगा, अगर आप भी अपने घर में बनाएँ तो लुत्फ उठाएँ। तो आइए फिर अभी हम करते हैं अपने काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, हमने 4 किलो गोश्त लिया है, इसमें रान का गोश्त है और बड़े बड़े पीस हमने डाल दिए हैं। रान और दस्ती का गोश्त आपने इस तरह से और बड़े बड़े पीस कर लीजिए, और इसके ऊपर जो है ये नमक है जी, इसमें जो है तकरीबन ये ऐसी 4 किलो गोश्त में 2.5 चम्मच नमक डाल दिया हमने, इसमें हम डाल चुके हैं पहले से, और 2.5 किलो चम्मच नमक डालकर तो आधा गिलास पानी डालना है इसमें, ताकि जो है लिक्विड बन जाए तो हर जगह मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको नमक को अच्छी तरह पूरे गोश्त के ऊपर लगाएंगे, ताकि जो है हर जगह ये नमक जो है आपका गोश्त चाहे इसके ऊपर पहुँच जाए। फिर इसको जो है 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए भी काफ़ी है, आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो है नमक की वजह से जो पानी गोश्त ने छोड़ना हो छोड़ दे और उसका टेस्ट जो है उसके अंदर ही रहे। इसको भी अब फिलहाल हम बंद कर देते हैं, नेक्स्ट टेस्ट के लिए बताते हैं। नाज़रीन ये अभी देखें आपने ये मुख्तलिफ ये इसके मसाला जाते हैं, ये अदरक हमने काट लिया, थोड़ा एक बड़ी वाली पीस जो है अदरक का वो काट लिया, मोटा मोटा काटना होता है। और ये जो है लहसुन के 10-12 पीस ले लिए हैं छिले हुए, इनको काटना नहीं है वैसे रखना है। और ये एक प्याज है छिला हुआ, और इसमें जो है कोई ऐसे इंग्रीडियंट इसके अलावा नहीं है, तो ये हम जो सब जो है इसमें मिक्स करेंगे गोश्त में। और प्याज को हम एहतियातन 2 पीस कर लेते हैं। और ये देखें 1.5 लीटर पानी हमने बोतलें, 1.5 लीटर पानी, इसमें हम 4 किलो गोश्त है तो तकरीबन 1.5 किलो पानी हम इसमें डालेंगे। हमने मिनरल वाटर ले लिया ताकि जो है, अगर आपने शोरबा कम रखना हो या कम रखनी हो तो आप इसको में 1 लीटर भी डाल सकते हैं, मगर पानी काफ़ी खुश्क भी हो जाएगा, काफ़ी एंड में आप चाहेंगे आप कुछ भी कर सकेंगे। और इसके जो हमारा जो गोश्त है इसमें चर्बी कम है, तो इसलिए जो हम इसमें बाद में शायद जो है ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे, मगर वो अभी आगे बाद में आपको बताऊंगा। तो अभी हमने जो है तकरीबन 1.5 लीटर पानी हम इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा सा डुबा देते हैं, गोश्त अच्छी तरह डुबा होना चाहिए वो पानी के अंदर, और अभी इसकी ठीक है तो बाकी आप पता लगे। ये भी हमने मसाले इसमें डाल दिए, तो अभी हम इसको जो है आग के ऊपर रख रहे हैं, और शुरू में हम जो है आग जो है तेज़ कर देंगे, तो जो है ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर आगे आपको बताते हैं। ये देखिए जी नाज़रीन, ये अभी थोड़ी देर पानी को जोश आना शुरू हो गया, तो हमने इसको 2 दफ़ा हिला लेंगे गोश्त को, नीचे वाला गोश्त ऊपर आ जाए और वो भी इसी एक कलर का हो जाए सारा। फिर इसको हम जो है सील कर देंगे 2-3 घंटे के लिए, और जो है ये खुद ही अपने पानी के अंदर पकता रहेगा। ये देखिए जी नाज़रीन, अभी हमारा जो है ये गोश्त आ गया और निकल कर बॉयल भी हो रहा है, तो अभी हम इसको जो है ये आटा लगा के इसको जो अभी हम इसको जो है सील करेंगे सर। टमाटर नहीं डलते इसमें, इसमें टमाटर नहीं डलते, आप इतला के लिए टमाटर डालने से इसका कलर चेंज हो जाता है। बाद लोग टमाटर डालते हैं, बाद लोग आलू डाल देते हैं, तो वो ओरिजिनल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना टमाटर ना आलू ना कोई और चीज़ ना खुमानी। नाज़रीन देखे भी आटा हमारा लग गया था, और ये जगह हमने छोड़ दिया ताकि जो इसमें से भाप आसानी से निकल सके, जो एक्स्ट्रा भाप है, नहीं तो फिर इसको जो है ढकना पूरा का पूरा उखड़ने का खतरा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें स्टीम जमा होगी, और अब ये गोश्त जो है सिर्फ अपनी स्टीम के अंदर ही पकेगा।
बस अभी सिर्फ अपने स्टीम में ही पकना है, और चार घंटे के लिए भी हमने इसको तकरीबन 3.5-4 घंटे के लिए हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर ना होने बराबर आंच हो उसके ऊपर रखते हुए हमने देखें जी हमारा अभी ऑलमोस्ट रेडी है। 3 घंटे से इसको यहाँ पर रखा हुआ है। ये है जी रोस्ट पोर्शन, ये देखें जी गोश्त किस तरह गलत कर चुका है। ये देखें जी हमारा अभी तैयार हो गया और अभी सर्व कर रहे हैं हम इसको। इसके ऊपर हमने काली मिर्च गार्निश की है। अपने फैमिली चैट दिखा दे सर।